वापस स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। ठीक पढ़ा आपने, बड़ा कमाल का टॉपिक है आज का। बिना खर्चा किए आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग कैसे की जाए, क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। नाटक नौटंकी नहीं, सीरियस कंटेंट पॉसिबल है। टेक्निक को बोलते हैं क्रॉस प्रमोशन टेक्निक। क्रॉस प्रमोशन टेक्निक में कोई भी दो या तीन या ज्यादा ब्रांड मिलके आपस में, जिनका साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक सेम हो और नॉन कंपीटिंग ब्रांड हो, वो मिलके एक दूसरे को बहुत तेजी से प्रमोट कर सकते हैं। कुछ अद्भुत बातें बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखिए। क्रॉस प्रमोशन के माध्यम से आप नॉन कंपीटिंग ब्रांड, इनको ज्यादा प्रमोशन मिल जाता है, ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है, खर्चा होता नहीं है, नया कस्टमर ऐड हो जाता है और बड़ी विन विन सिचुएशन के साथ सबका ही फायदा हो जाता है। अगर आपका मार्केटिंग बजट कम है या नहीं है, चिंता मत करिए, इसको बोलते हैं नो रिस्क कैंपेन। यहां पे आपको एक एक्स्ट्रा कुछ हजार या कुछ लाख लोगों का एक्स्ट्रा आई बॉल अटेंशन कैप्चर करने में आपको मदद मिलती है, बशर्ते आप ठीक क्रॉस प्रमोशन पार्टनर ढूंढ सकें, जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। ढूंढिए किस किस के पास जनता, वही है जिस जनता की आपको भी तलाश है। इसका अर्थ क्या हुआ? आपको सिमिलर नेचर के क्रॉस प्रमोशन पार्टनर ढूंढने पड़ते हैं। आप एक दूसरे की गुडविल और एक दूसरे की एसेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे के प्रमोशन के लिए, बिना जेब पे अतिरिक्त भार बढ़ाए। अच्छा, इससे होगा क्या? दो प्रोडक्ट की यूनिकनेस, नॉन कंपीटिंग प्रोडक्ट की यूनिकनेस जब साथ में जुड़ती है तो इसके कस्टमर इसके पास आ जाते हैं और इसके कस्टमर इसके पास आ जाते हैं और एक दूसरे के बिजनेस को थ्रेट ही नहीं होता। जैसे उदाहरण के रूप में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और पब्लिशिंग हाउस, ये नॉन कंपीटिंग है, इसका कस्टमर इसके पास आ गया, इसका कस्टमर इसके पास आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक एयरलाइंस और एक होटल, दोनों नॉन कंपीटिंग है। एक अच्छी एयरलाइंस का जो ट्रैवलर है वो फाइव स्टार होटल में आ गया और फाइव स्टार होटल में जो रहने वाला व्यक्ति है वो उस एयरलाइन का इस्तेमाल करता, तो नॉन कंपीटिंग लेकिन कस्टमर बेस बड़ा हो गया। अच्छा, आपके जो क्रॉस प्रमोशन पार्टनर जिसको आप चुनेंगे उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्रेडिबल है तो आपके ना मल्टीपल टच पॉइंट क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मैं सात सात उदाहरण भी देना शुरू कर देता हूं, आगे चल के कई केस स्टडी दूंगा, पर ध्यान दीजिए। जैसे मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला एक दूसरे को कंटिन्यूअसली प्रमोट करते रहे हैं। कोका कोला एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम बन गया है मैकडॉनल्ड्स के लिए। 1955 में शुरू हुई यह पार्टनरशिप, आज तक चल रही है। इनफैक्ट मैकडॉनल्ड्स का 5-10% एडिशनल रेवेन्यू कोक के कारण ही आ रहा है। ये क्या है? एक मल्टीपल टच पॉइंट मिल गया कोक को। कोक अब मैकडॉनल्ड्स के यहां पर दिखती है। आपके क्रॉस प्रमोशन पार्टनर से आपके टच पॉइंट बढ़ जाते हैं। अब मैकडॉनल्ड और कोका कोला का कॉम्पिटिशन तो है नहीं, लेकिन साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक जो उनका कंज्यूमर बेस है वो सिमिलर है, जिसके कारण आपस में, अब देखिए मैकडॉनल्ड यहां डोमिनोज और कोक भी चलते हैं आपस में, लेकिन पिज्जा हट पेप्सी के साथ आ गया, तो क्योंकि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करनी है तो ऐसे बार बार चेंज तो होती नहीं है। तो होता क्या है, कस्टमर का इंटरेक्शन आपके प्रोडक्ट का अब कहीं और जगह पे भी हो रहा है और आपका कुछ एक्स्ट्रा खर्चा तो लग नहीं रहा। उदाहरण के रूप में मैरिज पार्टी हॉल्स केटरिंग बिजनेस को प्रमोट कर सकती है और केटरिंग बिजनेस मैरिज पार्टी हॉल्स को प्रमोट कर सकता है। इनका साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक सिमिलर है लेकिन आपस में नॉन कंपीटिंग है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी चैनल्स सॉफ्ट ड्रिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं, सिमिलर साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक। फॉर एग्जाम्पल BMW और लुई विटॉन, ये दोनों लग्जरी ब्रांड्स हैं। अच्छा, ये दोनों ब्रांड्स ट्रैवल से संबंधित भी हैं और ये दोनों ब्रांड्स हाई क्वालिटी एक्सेलेंस और क्राफ्ट्समैनशिप को एनकरेज करते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। इनकी ब्रांड आइडेंटिटी एक्सेलेंस की ब्रांड, तो ये जो लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट के जो कंज्यूमर है आपस में ये नॉन कंपीटिंग है, लेकिन वो कस्टमर बेस इनका सिमिलर है। तो लुई विटॉन का कस्टमर इधर एक्सपोज होता है BMW में, BMW तो ऐसे ही BMW ने एक i8 सीरीज निकाली जिसमें लुई विटॉन ने स्पेशल प्रकार के बैग्स बनाए, तो उनके उन्होंने 4 बैग्स का एक केस बनाया जो उनके रियर पॉकेट में एग्जैक्टली फिट हो जाता, तो मतलब BMW ने शेप और उसको BMW ने ऐसा अरेंजमेंट करके दिया कि उनका बैग आराम से फिट हो जाए उसके अंदर, तो चारों दरवाजों में और पीछे
लुई विटॉन के बैग एडजस्ट, तो साथ में मिलते हैं। अब इससे क्या हुआ, देखिए क्योंकि दोनों की क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो दोनों एक दूसरे को प्रमोट कर पा रहे हैं और दोनों के कस्टमर एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे से एक्सपोज हो पा रहे हैं। ये एक बड़ा अपने आप में डिलाइट हो गया, तो दोनों ने मिल करके इसको जॉइंटली पार्टनर किया। एक्स्ट्रा खर्चा कोई लगा नहीं, लेकिन प्रमोशन दोनों के कस्टमर एक दूसरे के पास आने लगे, शायद सेल में बेनिफिट जरूर हो गया दोनों को। प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एरियल डिटर्जेंट पाउडर अपने ऐड के अंदर एलजी की वॉशिंग मशीन दिखाता है और एलजी की वॉशिंग मशीन की हर ऐड में एरियल डिटर्जेंट पाउडर से धुलते हुए कपड़े दिखाई पड़ते हैं। दोनों के कस्टमर्स को मल्टीपल टच पॉइंट मिल गए, ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया, और क्योंकि इससे इनकी विजिबिलिटी और व्यूअरशिप दोनों को बड़ी, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगी लेकिन फ़ायदा दोनों को हो गया। गूगल एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फोर्थ वर्जन था उसको उन्होंने नाम दिया किटकैट। नेस्ले के किटकैट के वाइस प्रेसिडेंट बताते हैं इस क्रॉस प्रमोशन कैंपेन में कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगा, एक दूसरे को पैसा भी नहीं देना पड़ा, और नेस्ले ने भी क्या किया, अपनी किटकैट 50 मिलियन एंड्रॉयड की शेप की निकाली और इन्होंने उसको नाम किटकैट का दे दिया। अभी वहां पे किटकैट की शक्ल का एंड्रॉयड और एंड्रॉयड की शक्ल का किटकैट हो गया क्रॉस प्रमोशन आपस में। पैसा एक दूसरे को नहीं देना पड़ा लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से प्रमोट कर पाए। किटकैट बहुत बिकती थी अमेरिका में, दुनिया भर में फैल चुकी थी, इससे एंड्रॉयड की विजिबिलिटी, व्यूअरशिप और उसका क्या बढ़ गया, इससे रिकॉल वैल्यू। क्विक अमेरिकन एग्जांपल भी, उबर अगर आप यूएस के अंदर बुक कर लेते हैं तो वहां पे आपके पास एकदम लिंक आता है और आप स्पॉटिफाई का लिंक आता है, वो जो म्यूजिक ऐप रहता है उससे वो आपका डीजे बन जाता है, आप गाड़ी का वेट करते करते आराम से बढ़िया बढ़िया म्यूजिक सुन सकते हैं। उबर स्पॉटिफाई को प्रमोट कर रहा है, स्पॉटिफाई उबर को प्रमोट कर रहा है, दोनों का पैसे का लेन देन नहीं है लेकिन दोनों की ग्रोथ हो रही है। जूतों में नाइकी पावरफुल ब्रांड, मोबाइल में एप्पल पावरफुल ब्रांड, दोनों एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। एप्पल के मोबाइल फोन में अगर कोई एथलीट है, कोई स्पोर्ट्समैन है, उसको अपने वर्कआउट का डेटा चाहिए तो वो उसके साथ एकदम तुरंत कनेक्ट हो जाता है और उसके जूते के साथ जुड़ जाता है और कितना उसने वर्कआउट किया, कितना उसका हार्ट रेट, कितना कैलोरी बर्न हुआ, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, कब उसको पानी पीना है, कितना ड्रेन हो गया, वो सारे मेजरमेंट, वो सारे मीटर्स और मेजरमेंट उसके मोबाइल में दिखते हैं। जो नाइकी का जूता इस्तेमाल करे और एप्पल का मोबाइल साथ में ले लें, दोनों का आपस में कंपटीशन नहीं लेकिन एक दूसरे की ग्रोथ में कंसिस्टेंटली सन 2000 से मदद करते आ रहे हैं। GoPro और Red Bull ने भी आपस में काफ़ी लंबी पार्टनरशिप इनकी दिखाई पड़ती है। GoPro एडवेंचर कैमराज हैं, स्पोर्ट्स में काफ़ी उनका स्पोर्ट्समैन लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोनों लाइफस्टाइल ब्रांड बन गए हैं। एडवेंचर को दर्शाते हैं, यूथफुलनेस को, हाई एनर्जी को, और ये हमेशा Red Bull GoPro के सारे इवेंट्स को स्पॉन्सर करता है, उनके साथ ही दिखना चाहता है, जो दिखाता है इनके लाइफस्टाइल को, एडवेंचरस पावर पैक्ड फियरलेस एंड एक्सट्रीम लाइफस्टाइल। तो दोनों के जो एक्चुअल देखा जाए साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक सिमिलर है और दोनों एक दूसरे को प्रमोट कर पाते हैं बहुत आसानी के साथ। पेटीएम तो आगे बड़ी क्रॉस प्रमोशन के कारण रहा है, उनकी किटकैट के साथ भी ऑफर है, आप किटकैट खरीद के पेटीएम से पैसा दे दो तो आपको तुरंत कैशबैक मिल जाता है। कई सारे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अपने क्रॉस प्रमोशन पार्टनर्स पहले ही तैयार रखते हैं जिसकी मदद से उनकी ग्रोथ होती है, इसी को बोलते हैं बिल्डिंग एन इकोसिस्टम विद द क्रॉस प्रमोशन पार्टनर्स। HDFC रेड बस को, अमेजॉन एप्पल आईफोन को प्रमोट करता है, एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप, ओयो रूम, जोमैटो, मिंत्रा यात्रा को काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं। ICICI बैंक वाले जब अपना क्रेडिट कार्ड देंगे तो मेक माय ट्रिप, सोनी के प्रोडक्ट, बिग बाजार, प्यूमा और LG इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रमोट करते हैं। सारी बात बड़ी अच्छी है, लाख बात की एक बात। अब आप सोच रहे होंगे मैं अपने क्रॉस प्रमोशन पार्टनर को कैसे बिल्ड करूं, क्विकली आपको कुछ टूल देता हूं, 5-6 steps देता हूं जिनको आप फॉलो करें, जिनको ध्यान में रखें और आप तुरंत अपने राइट क्रॉस प्रमोशन पार्टनर ढूंढ पाएंगे। मोटी मोटी बात यह, यू हैव टू जॉइन फोर्सेस टू स्ट्रेच योर मार्केटिंग रीच, नॉट द बजट रीच। यानी कि मार्केटिंग की रीच तो बड़ी हो गई, बजट की रीच ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। पहला पॉइंट, पिक द राइट पार्टनर। ये गलती लोग बहुत ज्यादा कर देते हैं कि कई बार गलत क्रॉस प्रमोशन पार्टनर ढूंढ लेंगे, कभी फायदा नहीं होगा। आप हमेशा सी, यू विल बी नोन फॉर द कंपनी दैट यू कीप, शो मी योर फ्रेंड एंड आई टेल यू योर फ्यूचर। क्रॉस प्रमोशन पार्टनर हमेशा सही ढूंढिए, ऐसा ही नहीं कि जल्दीबाजी जबरदस्ती में आप किसी गलत आदमी को बना दें। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शराब की बोतल के साथ कभी क्रॉस प्रमोट नहीं करना चाहेगा। फाइंड आउट द राइट, अपना TG जरूर, टारगेट ऑडियंस डिफाइन जरूर कर लीजिएगा। बेसिकली आपकी सिमिलर ऑडियंस और सिमिलर बिजनेस एथिक्स, ये मिलना बड़ा जरूरी है। यानी कि वही ऑडियंस आपका माल खरीदती हो, इनका खरीदती हो, और वही ऑडियंस आपके बिजनेस एथिक्स आपस में मैच जरूर करते हो। क्रॉस प्रमोशन पार्टनर ढूंढने के बाद गो बियॉन्ड मी, मी एंड मी।
इसका क्या मतलब हुआ? गो बियॉन्ड मी 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 का मतलब कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमति मन्यते, एक मतलब विमूढ़ आत्मा की तरह केवल अहम 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 करता हमति मन्यते, इससे बाहर आना पड़ेगा। क्रॉस प्रमोशन पार्टनर आपके साथ तभी जुड़ना चाहेगा जब आपका और उसका दोनों का बेनिफिट हो। पार्टनर ढूंढते वक्त केवल अपनी बात ना करें, सामने वाले के बेनिफिट को पहले सामने रखें कि वो कैसे जीतेगा, फिर बात करें कि आप कैसे जीतेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च आउटसाइड द बॉक्स। कई बार हम क्रॉस प्रमोशन पार्टनर में ज्यादा दूर तक सोच ही नहीं पाते हैं, बहुत सारे वाइल्डली सोचना शुरू करिए। हर कौन कौन मदद कर सकता है, जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। जगह जगह जाइए, देखिए कि फॉर एग्जांपल कई बार और कुछ नहीं तो कैब ड्राइवर्स आपके साथ क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं, कुछ वेब डेवलपर्स कर सकते हैं, कुछ ईमेल कैंपेन जो लोग करते हैं एसएमएस कैंपेन वाले कर सकते हैं, प्रिंटर कर सकते हैं, डायरेक्ट मेल कंपनी कर सकती है, साइनेज कंपनी, लोकल न्यूज़पेपर मैगजीन, लोकल रेडियो शो एंड टीवी शो। सो थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स इज मस्ट। और अगला पॉइंट, पुट एवरीथिंग विद अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। जो भी चीज आप करेंगे दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट को एक प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जरूर साइन कर लें। मुंह से हवा से बोली गई बातें बाद में तकलीफ भी दे जाती हैं। उसमें आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्लियर दिखनी चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशन और आरओआई का मेजरमेंट ये दोनों भी क्लियरली दिखना चाहिए। एनीथिंग विच के नॉट बी मेजर के नॉट बी इम्प्रूव। सो आपकी एक्सपेक्टेशन क्लैरिफिकेशन और मेजरमेंट के तरीके के आप दोनों को बेनिफिट कैसे होगा, इस सब कॉन्ट्रैक्ट जरूर बना लीजिएगा। बेसिक अगर आपको हेल्प चाहिए तो हमारे नंबर्स पे फोन करिए, हमारी टीम है वो भी आपको एडवाइस कर सकती है कैसे अच्छे लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। आप हमारे लीडरशिप फंड में आते हैं, वहां भी हम आपको सिखाते हैं। एक बिजनेसमैन को हैंड होल्ड करके बड़ा करने का मैंने सपना लिया है जब आप लीडरशिप फंड में आते हैं, इसके बारे में मैं और बताता हूं आपको। अगला मेरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी इन सिमिलर लैंग्वेज। कई बारी अनरिलेटेड प्रोडक्ट एक कंपीटिंग प्रोडक्ट की तरह कंफ्यूजिंग सिग्नल दे देते हैं। ऐसे ही किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेंगे तो ना तो लोग आपको याद रख पाएंगे ना उसको याद रख पाएंगे, एक मिक्स कंफ्यूजिंग सिग्नल दे बैठेंगे मार्केट के अंदर। तो सिमिलर लैंग्वेज मस्ट है। अनकनेक्टेड बिजनेस अनरिलेटेड प्रोडक्ट लंबा चलता नहीं। सो क्लियर कनेक्शन और लॉजिकल सीक्वेंस आपके ब्रांड कैंपेन के अंदर साफ दिखना चाहिए। यकीन मानिए अगर आपको प्रेस्टीजियस ट्रस्टवर्दी लेजिटिमेट पावरफुल क्रॉस प्रमोशन पार्टनर मिल गया ना, आपकी किस्मत ही खुल जाएगी, आपकी किस्मत ही खुल जाएगी। हमारे को भी कई लोग आजकल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हम लीडरशिप फनल करते हैं तो जिनके लिए एंटरप्रेन्योर, जिनके लिए बिजनेसमैन, बड़ा रिच बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर टारगेट ऑडियंस है, वो हमारे लीडरशिप फनल को आकर के स्पॉन्सर करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ में मिलते हैं, जुड़ते हैं, पार्टनर करते हैं। जिनके लिए स्टूडेंट्स बड़ा टारगेट ऑडियंस है तो जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और कई ब्रांड्स हैं कपड़ों के, मोबाइल के, या और भी कई ब्रांड्स हैं जिनके लिए स्टूडेंट फोकस है, वो हमारे स्टूडेंट लीडरशिप कॉन्क्लेव को आकर के स्पॉन्सर करते हैं क्योंकि वहाँ 15-20 हज़ार बच्चे इकट्ठे आते हैं तो वो आके उनको स्पॉन्सर। देखिए चूँकि मेरा एक कॉलेज के साथ में कोई कॉम्पिटिशन तो होता नहीं है लेकिन हमारी टारगेट ऑडियंस सिमिलर है, अगर इतने सारे स्टूडेंट हैं तो वो आते हैं और वो आकर के अपने आप को वहाँ पे प्रमोट करते हैं। तो वहाँ देखिए सिमिलरली आपको ढूंढना पड़ेगा, अगर आपके पास एक रेलेवेंट पार्टनर मिल जाए तो वो आपकी किस्मत खोल सकता है। ये था क्रॉस प्रमोशन के ऊपर एक क्विक टिप एंड टूल टेक्निक। मेरे लीडरशिप फनल के अंदर हमने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया है, पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट का हमने एक पावरफुल मैनुअल आपको तैयार करके दिया है, एक सीक्रेट ऐसी डायरी बना के दी है जिसके अंदर फॉर्मूलाज हैं। बिलियनियर्स अपने बिजनेस को इतना बड़ा करते कैसे हैं, वो सीक्रेट्स, वो टूल्स हम आपको लीडरशिप फनल में देते हैं। वो क्या चीज़ है जिससे आप अपने बिजनेस को जे कर्व से ठक से बड़ा कर सकते हैं, क्या आपकी इच्छा है? अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप इसी नंबर पर फोन करिए, आइए लीडरशिप फनल प्रोग्राम में और जानिए वो टिप्स टूल्स टेक्निक के कम खर्चे में अपने बिजनेस में जे कर्व यानी कि अचानक सक्सेस यानी कि बड़ी से बड़ी सक्सेस कैसे लाई जाए। इस लीडरशिप फनल के द्वारा मैं देश का फ्यूचर बदलने वाला हूं। आपका कंपटीशन आ जाए उससे पहले आप आ जाइए, लिमिटेड सीट से फोन करिए, जानिए अगला बैच कहां पे, अपनी सीट रिजर्व करिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कमेंट और शेयर ये आपके लिए बहुत जरूरी है, मुझे अच्छा लगता है जब आप दूसरे एंटरप्रेन्योर तक वीडियोस पहुंचाते हैं क्योंकि जो लोग नहीं आ पाते घर बैठे उनकी मदद हो जाती है। वीडियो देखने से पहले लाइक कर दिया करिए, कमेंट में लिखिए अगली प्रॉब्लम आप क्या फेस कर रहे हैं जिसको मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो के माध्यम से आपके लिए सोल्यूशन तुरंत ला के दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक आगे वीडियो देखने, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करने और करवाने के लिए आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।